मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। जितने मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जितने मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है तरुण, उम्मीद करता कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, हम एकदम मस्त हैं। आप लोगों का स्वागत हो रहा है पहाड़ों की खूबसूरत हसीन वादियों से, और वहाँ पे की धूप लग चुकी है, मतलब अभी हमारे यहाँ धूप लग चुकी है बाहर, मतलब कहीं जो सिटीज वगैरह होंगे उस पर शायद नहीं लगी हो, यहाँ जल्दी आती है धूप, देखो है ना। और सुबह सुबह मतलब आराम से जब हाथ मुँह धो के आराम से बैठ जाओ, धूप में कोई दिक्कत नहीं है, धूप सेक सकते हो तुम फिलहाल। और हाँ एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपना कमेंट ज़रूर किया करो। जो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तो अपना कमेंट ज़रूर किया करो, अच्छा बुरा जैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस अपना कमेंट ज़रूर कर दो। जैसे भी आपको वीडियो लगे, अच्छी लगे तो अच्छे कर दो, बुरी लगे तो बुरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना, कुछ लोगों को मतलब नहीं आता, जो कि मतलब शायद ऐसा बोलते हो, ऐसा हो नहीं सकता किसी को नहीं आता, पर फिर भी एक बार यहाँ नीचे आ रखा होगा स्क्रीन पे कि कैसे करते हैं, तो प्लीज़ उसको उस तरीके से कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हर रोज़ सुबह 8 बजे मेरा ब्लॉग आ जाता है, जिस दिन नहीं आएगा तो उसका मतलब उसने मैंने नहीं बनाया, लेकिन नॉर्मल सी बात है कि हर रोज़ सुबह 8 बजे तो आ ही जाएगा ब्लॉग, ठीक है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ठंड यहाँ बहुत है यार गाँव में, दिल्ली के हिसाब से सब लोग अभी अपने काम पर लगे हुए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है खेतों में, हम तो अभी भी चाय पी रहे हैं बस। तो बस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, देख लो मस्त तरीके से श्रीनगर जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, 9 बज रहे हैं अभी यहाँ से। गोलू के लिए कुछ गोलू का कॉलेज का हॉस्टल का कुछ काम है तो उसके चक्कर में, बाकी मैं तो पूरी तरह से पैक हो चुका हूँ क्योंकि रास्ते में ठंड लगने वाली है। एक ये है, इसके अंदर से ये है, इसके अंदर से ये है, इसके अंदर से ये है। खैर कोई नहीं, चलते फटाफट है ना, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस हम लोग रेडी होके निकल पड़े हैं घर की ओर, सॉरी श्रीनगर की ओर। अभी हम अपने गांव के रास्ते पे, धूप लगी एकदम मस्त बिंदास वाली, मैं फुल्ली पैक हूँ, जैसे जैसे गर्मी लगेगी वैसे वैसे कपड़े उतर जाएंगे। ठंड तो अभी यहाँ लगेगी जब हम मार्केट तक जाएंगे धन्नों पे, क्योंकि ना जहाँ धूप लगी रहती वहाँ ठीक है, वहाँ बीच में धूप नहीं लगे ना, देखो वहाँ बीच में धूप नहीं लगे ना, वहाँ धूप आती नहीं है, पूरा ठंडा होता है वहाँ पे। इतना ठंडा कि एकदम सुन हाथ पैर चार्ज ना उसका। तो गाइस देखो सिलोनी में यहाँ पे बहुत ठंडा हो रखा है, गाइस मेरे हाथ पैर सुन हो गए, पर अगर मुझे वो मतलब ग्लव्स पड़े हैं यहाँ पे, मतलब स्कूटी में ग्लव्स तो पड़े हैं और मैं ले जा सकता हूँ पहन के, ठीक है। तो स्कूटी में तो ग्लव्स पड़े हैं, मैं उनको पहन भी सकता हूँ, पर पता है क्या क्यों नहीं पहन रहे, क्योंकि हमें सिर्फ तो मार्केट में जाना है, इसको हमें पूरा वहाँ तक ले जाना यार, अपना व्हीकल तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना, कैसे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पहले तो एक इसको थोड़ा सर्विस भी मांग चाहिए, मतलब थोड़ी सर्विसिंग चाहिए इसको, आधा एक्सीलेटर तो उसका ऐसे ही घूम जा रहा है, तो सर्विसिंग भी कराएंगे इसके बाद में। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं कल ही सर्विसिंग करा लेता, अगर मुझे पता होता कि इसको ले जाना है, लेकिन बाबा ने कल ही ना करी तो मैंने करवाई नहीं सर्विसिंग। कोई नहीं, वहाँ देखो जहाँ धूप लगी है वहाँ स्कूटी चलाने में मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में, ठीक है, और यहाँ ठंड हो रही है तो यहाँ हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं एकदम मस्त तरीके से, यही बोलूँ मैं, नाक एकदम लाल ठंडी, हाथ एकदम सुन्न, दर्द हो रहे है। मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ पता क्यों, क्योंकि एक तो देखो मेरी नाक लाल हो गई, मेरी नाक बह रही है, ठीक है, और हाथ एकदम सुन, ग्लव्स पहन लेते क्योंकि हमें दूर तक जाना है काफी, तो अच्छा रहेगा, ठंडे हो गए हाथ, डोरेमोन डोरेमोन, पता हाथ में दर्द हो रहा है ना, सुन हो जा रहा है एकदम, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आ रखी तो यहाँ पूरे दिन भर ऐसी ठंड रहती है,
दिन में तो फिर भी गर्मी के टेम्परेचर की वजह से थोड़ा ठीक हो जाता है, बट सुबह के टाइम में बहुत ठंड रहती है, सुन में जाती है, तो हवा भी ठंडी होती है, जहाँ जहाँ धूप लगी वहाँ तो ठीक है, फिर भी यहाँ एकदम होता है। हमारा घर सामने जूम करके दिखा बोलो जरा, हमारा घर वहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, वही वाला, वो पिंक वाला देखो, ठीक है वहाँ दादा दिख रहे हैं। चलो तो गाइस चलते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे धूप आ रही है ना, तो अब अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप पड़ रही है इस जगह में, अच्छा लग रहा है चलाने में, मतलब गर्म गर्म महसूस हो रहा है। बाकी जहाँ अभी फिर आगे देखना छावा आ चुकी है, ठंड हो रही है पूरी, वहाँ पे देखना भी देखना, इतनी ठंड, इतनी ठंड हो रही, इतनी ठंड हो रही ना, चट लौट चट जब लौटना पर जाना किले की बोल मेरे बारे में होट बंद से हो रहा है ठंड की वजह से, होट बंद हो रहा है तो मजा आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता तरुण भाई को क्या पसंद है, सिर्फ एडवेंचरस किक थ्रिल, तो उसमें मजा तो बहुत आता है। ये देखो आप ठंड हो गई, हाथ पैर से एकदम मूवी से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फिर जैसे धूप आएगी नहीं पता यहाँ पे धूप नहीं आती ना, तो एकदम ठंडा होता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन भी एकदम ठंडा, मजा आ रहा है गाइस। चलो चलो 5-5.5 किलोमीटर लगने जाना पड़ेगा, बाकी कुछ कुछ जगह पर धूप आ रखी है बहुत बहुत, नाश्ता वगैरह कर लेंगे रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं है, भाई बोलने की बात नहीं एडिट हो जाएगा, हरीश भाई कर 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 आज से टैक्सी देना कैमरा बंद हो गया, तो बस पीछे कैमरामैन बिठा रखा आज मैंने, क्योंकि मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में मैं करूँगा वीडियो, फिलहाल घर मेरा कैमरामैन कर रहा है। चलते हैं बस फटाफट से मार्केट की ओर। अच्छा यहाँ से पौड़ी, पौड़ी से श्रीनगर मैं तो चाह रहा हूँ, जम्मू संतुली पहुँचने वाले थोड़ी देर में, लगभग 400 मीटर बच चुका है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, तो थोड़ी देर में हम बस पहुँचने वाले हैं, ये रहा आगे। तो गाइस वहाँ पे एक गांव दिख रहा है, वो मेरे नानी का गांव है डुंक, मेरे मामा का गांव है वो डुंक गांव, वो वाला, और यहाँ कहीं उनका घर भी है आसपास यहाँ पे। फिलहाल हम यहाँ पे मेटाकुट में रुके हुए हैं, थोड़ा मतलब गाड़ी खुद ही रुकी है, उसको ड्राइवर को नाश्ता वगैरह करना है तो कर रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे नानी का गाँव, मेरे मामा का गाँव डुंक, ज़्यादा छूट तो कर नहीं पा रहा मैं इसमें, लेकिन जितना हुआ बताऊँगा मैं जरूर, ठीक है।
अभी हम पहुंच चुके हैं पौड़ी मार्केट में, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत मार्केट है पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि ना वहाँ पे देखो चौखंबा दिख रहा है आपको, ऊपर की साइड दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब बर्फ के पहाड़ ऊपर की साइड दिखते हैं यहाँ से, काफी हाइट में यह मार्केट और काफी ज्यादा खूबसूरत मार्केट है। अब हम चलते हैं यहाँ से श्रीनगर की ओर। तो गाइस अब हम यहाँ से जाएंगे श्रीनगर की ओर, ठीक है। कॉलेज के अंदर हमने प्रवेश किया, कॉलेज तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है इसका, BCHC वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ऐसे भी है। सॉरी तो कॉलेज तो काफ़ी अच्छा है चंदी श्रीनगर। ये चीज देखो गाइस, डू नॉट स्पीड हो रही है, देखना काम निपट जाएगा। तो दो बज रहे अभी, तो बस चलते हैं। काफ़ी अच्छा बड़ा कॉलेज है, बस हम फटाफट से जो काम निपटाना चाहते हैं वो निपटा दें। HMB श्रीनगर गाइस, बस अभी हम लोग मतलब रूम में पहुंच चुके थे, जो काम था वो काम निपटा दिया था हमने। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि मुझे बर्फ़ के पहाड़ तो अपने सामने दिख रहे हैं, तो ठंड तो होनी बनता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बर्फ़ के पहाड़ मेरे सामने ही है। तो बस अभी मैं हम रूम में रुके हुए आराम से सो रहा हूँ मैं रिजर्व वगैरह लेकर, क्योंकि नींद आ रही है, आँखों में दर्द हो रहा बहुत तेज, ठीक है। तो मैं सोने जा रहा हूँ, मिलता आपको सुबह नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से शेयर करना अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और अपना कमेंट जरूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसा भी करो आप, अच्छा बुरा चलेगा बट करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।